नमस्कार मित्रों, मैं अभिजीत केलकर, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अब बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि डिफ्यूजर ऑयल्स क्या होते हैं, और इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं, जैसे अलग अलग टाइप के डिफ्यूजर्स रहते हैं, रीड डिफ्यूजर रहते हैं, और पॉट प्यूरी है, या फिर आपका जो कॉर्क वाले रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कैसे बनते हैं, इसका उपयोग कैसे होता है, तो पहले इसका बेसिक थोड़ा सा समझ लें कि डिफ्यूजर ऑयल जो है ये एक मुझे लगता है जो चलन में आ गया हुआ सा ये जो शब्द है, ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव वर्ड में इसको बोलूंगा, क्योंकि होता ये था कि पहले जो ये एरोमाथेरेपी का ही एक पार्ट है, एरोमाथेरेपी के जो ऑयल्स हैं, जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, उनको उनको उपयोग में लाने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका आपका केवल इनहेलेशन हो गया, दूसरा तरीका आपका स्किन एप्लीकेशन हो गया, कुछ एसेंशियल ऑयल्स आप कंज्यूम भी कर सकते हैं, तो इनके अलग अलग उपयोग होते हैं। अभी हाल में जैसे कोरोना में हम लोगों ने देखा कि आपकी जो अजवाइन है, या फिर आपका कैम्फर है, यूकेलिप्टस, नीलगिरी का तेल है, इन सबका कितना उपयोग होता है। तो होता ये था कि इन सुगंधी द्रव्यों का या इन नेचुरल प्योर एसेंशियल ऑयल्स का इनका उपयोग होता था आपके वातावरण को शुद्ध करने के लिए। शुद्ध से मेरा मतलब है कि ये एसेंशियल ऑयल्स जो कि एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटी फंगल हैं, तो इस तरीके से आपके जो सराउंडिंग है उनको क्लीन करने के लिए काम में आते थे। ये हो गई पुरानी बात। अभी क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल जैसे रोज ऑयल है या फिर सैंडल है, इनके प्राइजेस इतने ज्यादा हैं कि उसको इस तरीके से जलाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। या फिर जैसे धूप जलाई जाती थी, लोबान जला करके हम लोग पूरे घर में उसको घुमाते थे, वो एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हुआ करती थी, लेकिन काफी सिटीज में बोले या इस तरीके से तो वो प्रैक्टिस भी धीरे धीरे सब कम होती जा रही है। हम लोग अगरबत्ती में जो कि सिंथेटिक केमिकल से बनती हैं उसमें ज्यादा विश्वास करते हैं। तो डिफ्यूजर ऑयल्स का जो मेन उपयोग था वो इसके लिए था, आपके वातावरण की शुद्धि के लिए, आपको संक्रमण से बचाने के लिए और आपको स्वस्थ रखने के लिए। जैसे यूकेलिप्टस केवल आपको आपकी जो श्वास नली का है, आपका जो श्वसन तंत्र है, उसको क्लीन रखने के भी काम में आता है। तो कालांतर में क्या हो गया कि हम केवल इसका उपयोग करने लगे एस्थेटिक पर्पस की वजह से, कि आप किसी के घर में जाते हैं या कहीं फाइव स्टार होटल में जाते हैं, स्पा में जाते हैं, या एयरपोर्ट पे जाते हैं और बड़ी अच्छी खुशबू आती है। बहुत बार ये भी होता है कि हम उस पर्टिकुलर प्लेस को, वो खुशबू जो है वो उसकी पहचान सी बन जाती है, कह रहे हम लोग वहां पे जाते हैं तो यार वो बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। तो डिफ्यूजर ऑयल्स जो आज ये टर्म प्रचलन में है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन। इसको आदमी जैसे अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग उसमें आप उसका उपयोग कर सकते हैं। डिफ्यूजर ऑयल्स हो सकता है कि प्योर फ्रेग्रेंस ऑयल हो सकता है कि नेचुरल एसेंशियल ऑयल भी हो सकता है वाटर सोल्युबल फ्रेग्रेंस हो सकता है कि फ्रेग्रेंस और एसेंशियल ऑयल का कॉम्बिनेशन भी हो। एनीथिंग, जब हम डिफ्यूजर ऑयल बोलते हैं तो इसमें से कोई भी चीज हो सकती है। जैसे आपके जो डिफ्यूजर रहते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ये आपका एक रेगुलर टाइप का डिफ्यूजर है, तो अभी ये कैसे काम करते हैं, तो कोई भी फ्रेग्रेंस ले लिया हमने या फिर कोई भी ऑयल ले लिया, तो इसका प्रिंसिपल बहुत ही इजी है कि यहां पे हमने कैंडल लगा दी जिससे कि ये गर्म हो, इसे गर्म होना है। यहां पे जो है, यहां पे हम लोगों ने पानी भर दिया और उसके ऊपर हम लोगों ने 5-6 ड्रॉप अपने हिसाब से जो फ्रेग्रेंस अच्छी लग रही है या जो एसेंशियल ऑयल अच्छा लग रहा है वो हमने इसके ऊपर डाल दिया। तो इसकी वजह से जब यहाँ पे कैंडल है, उसकी वजह से जब ये गर्म होगा तो पानी गर्म होगा, और जब पानी के वेपर्स के साथ में एसेंशियल ऑयल या फ्रेग्रेंस जो भी इसमें पड़ा हुआ है वो उड़ करके पूरे आपके रूम में फैलेगा। तो ये बेसिक डिफ्यूजर हो गया। यहाँ पे केवल
फायर का प्रिंसिपल जो है वो काम में आ रहा है, आपका जो पानी के वेपर्स बन रहे हैं उसके थ्रू आपकी खुशबू ये यहाँ पे फैल रही है। इसमें इलेक्ट्रिक वाले भी आ जाते हैं कि जहां पे बल्ब लगा होता है आपने वो प्लग कर देना है, आपका ऐसे वुडन फ्लोर है जहां पे आप फायर नहीं जलाना चाहते, या घर पे छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है कि वो कहीं उनसे गिर न जाए और कहीं आग लगने का खतरा हो, तो वैसे में काफी लोग जो रहते हैं वो आपका इलेक्ट्रिक वाला जो रहता है वो भी यूज कर लेते हैं कि इससे गर्म हो। तो अगर इसे पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा कि जब ये गर्म होगा तो एसेंशियल ऑयल का, जैसे आपको पता है कि उनका जो फ्लैश पॉइंट रहता है वो बहुत ही लो रहता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर पे भी वो ऑयल उड़ जाते हैं। तो जब ऐसे गर्म सतह अगर है और आपके ऑयल या आपके फ्रेग्रेंस डायरेक्ट उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हो सकता है कि वो बर्न हो, तो वो जब बर्न होंगे तो आपको वो बर्निंग नोट आएगी, तो वो नहीं चाहिए, वो प्रॉपर डिफ्यूज होना चाहिए एयर में, तो जाकर के हमें उनकी खुशबू मिलेगी। तो ये जो आप इसमें किसी भी फ्रेग्रेंस का ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए काफी सारे सॉल्वेंट्स आते हैं। जैसे एक आपका सॉल्वेंट मैं बताऊं, डोवेनॉल डीपीएम, ये एक सॉल्वेंट है जो आपकी क्या कहते हैं इसको बढ़ा सकता है, डिफ्यूसिविटी को आपकी फ्रेग्रेंस की बढ़ा सकता है। दूसरा आपका एक है ऑजियो करके एक आता है, ये हमारे यहाँ पे ऑजियो क्या नाम से, मैं आप ACM के नाम से हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका भी आप इस्तेमाल आपके फ्रेग्रेंस में, आपके एसेंशियल ऑयल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसका डिफ्यूजन बढ़ाने के लिए। उसके बाद में आपने देखा होगा कि अभी मेरे पास में है नहीं आपको दिखाने के लिए, ऐसे गोलाकार से रहता है और वो प्लग किए रहते हैं, वो पानी भरा रहता है, उसके साथ में कोल्ड उसमें से वेपर्स निकलती हैं, तो उसको उस डिफ्यूजर का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वाटर सॉल्युबल फ्रेग्रेंसेस जो हैं या वाटर सॉल्युबल आपके ऑयल जो हैं, मतलब ये नेचुरल नहीं होते हैं, आपको उनको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कोई सॉल्वेंट्स डाल के, कोई इमल्सिफायर्स डाल करके, तो वैसे करके आप उनको वाटर सॉल्युबल करके उसमें आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी इसमें दो तीन चीजें और भी हैं, जैसे आपका एक तो रीड डिफ्यूजर हो गया, और एक आप लोगों ने देखा होगा कि वो कार में टंगा रहता है, आपके कबर्ड्स में रहता है, कि वो कॉर्क है और उससे आप उसे खोल के रख दें और उसकी खुशबू आपकी कार में, आपके कबर्ड में, आपके बाथरूम में वो पूरी फैलती रहती है। वो जो कॉर्क वाला डिफ्यूजर है और थोड़ा सा एक रीड डिफ्यूजर जो है, तो इनको ये रीड्स बोलते हैं, और ये और कॉर्क वाले जो हैं ये दोनों बेसिकली एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। इसमें पहली चीज है ये आपकी रीड्स, तो ये रीड्स जो है ये बेसिकली नेचुरल लकड़ी है। एक्चुअली जनरली रोज वुड की अगर लकड़ी हो तो वो ज्यादा उपयोग में लाई जाती है, मैक्सिमम इनका इंपोर्ट ही होता है, अपने यहाँ पे ये नहीं होती है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे से कॉल क्या कहते हैं कैपिलरीज बनी हुई है विच रन्स फ्रॉम हियर टू हियर। ऐसा समझ लीजिए कि कोई बड़ा सा पेड़ है, पानी तो नीचे देते हैं हम लोग, फिर भी वो ऊपर की डाली तक, उसका ऊपर की पत्ती तक पानी पहुंचता है। वो कैसे पहुंचता है, तो वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू पहुंचता है कि इधर से वो उसको खींच के यहाँ पे लेके आ जाता है पेड़। सेम प्रिंसिपल पे आपका वर्क करता है कॉर्क वाला डिफ्यूजर या फिर रीड वाला डिफ्यूजर। तो यहाँ पे मेनली तीन चीजें काम में आ रही हैं। पहली है ये आपकी रीड या कॉर्क, वो क्या कर रहा है कि आपका समझिए ये आपका डिफ्यूजर का वेसल है, यहां तक आपने भरा हुआ है, तो यहां से आपका जो सॉल्यूशन है उसको यहां से यहां तक लाने का काम ये आपके रीड का है, ये आपके कॉर्क का है। अब वहां पे आने के बाद आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन अगेन दो चीजों का मिलके बना है, पहला है आपका फ्रेग्रेंस और दूसरा है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। तो
रीड ने अपना काम कर दिया, उसे ऊपर तक खींच के ले आए, कॉर्क ने अपना काम कर दिया, उसे ऊपर तक ले आए। अब वहां पे आने के बाद जो आपका सॉल्वेंट है उसका काम चालू होता है, वो क्या करेगा कि वो उसको डिफ्यूज करेगा, वो उसको फैलाएगा, ये काम आपके सॉल्वेंट का है। और वो फैलाने के बाद में जो फ्रेग्रेंस है वो आपको उसकी खुशबू देगा। ये बेसिकली ये तीन चीजें हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट में काफी बार मैंने लोगों को देखा है कि अल्कोहल यूज कर लिया या फिर वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कुछ लोग कर लेते हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। सीधी बात है कि सॉल्वेंट जो भी है वो आपका डिफ्यूज होना चाहिए, लेकिन अगेन कि वो जितना जल्दी डिफ्यूज होगा आपका फ्रेग्रेंस उतना जल्दी खत्म होगा। तो पहले आप लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें जो अल्कोहल डालते हैं, मैंने जो क्या कहते हैं विकिपीडिया पे या फिर व्हाट्सएप पे जो मैंने देखी हुई ये रेसिपीज की, उसमें आप लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल एक बहुत ही हाईली इवोपरेटिव एजेंट है, तो वो तो तुरंत आपका जो रीड डिफ्यूजर है 100 ml का, वो मालूम पड़ा आपका एक हफ्ते में खाली हो गया, जबकि वो चलना चाहिए था आपका महीने भर। तो अभी उस वो तो आपने अल्कोहल के इस्तेमाल से उसका डिफ्यूजन तो आपने ले आया, दूसरा चीज क्या किया आपने, फिर उसको उतना रेट भी नहीं चाहिए ना, उसको भी कम करना है, तो आपने फिर उसमें कैरियर ऑयल डालना चालू कर दिया, या फिर आपने उसमें डीओपी डाल दिया या फिर डीपीजी डाल दिया। अभी यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, आप थोड़ा सा समझिए कि ये जो कैपिलरीज हैं आपकी, ये रीड्स हैं, इसमें ये अलग अलग कैपिलरीज हैं। तो अभी अगर आपका वेजिटेबल ऑयल अगर आप इसमें डालते हैं या डीपीजी या ये डालते हैं, तो उनके जो मॉलिक्यूलर साइज है दैट इज बिगर देन दिस, ठीक है। तो एक समय सीमा के बाद इसमें से ये पास नहीं हो पाते और फिर क्या होता है कि आपकी जो रीड होती है वो हो जाती है चोकअप। तो मेरी ये सलाह बिल्कुल नहीं है कि आप इसमें अल्कोहल, ठीक है, लेकिन अल्कोहल जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको आपकी टाइम लिमिट कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो 5-6 दिन में ही आपकी फ्रेग्रेंस फिनिश हो जानी है। और अगर आप उसको कम करने के लिए वेजिटेबल ऑयल्स या फिर डीपीजी या डीओपी या इस तरीके के कोई और भी मॉलिक्यूल्स अगर इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो वो आपकी रीड्स को चोकअप करने का काम करेंगे, वो जो आपकी कॉर्क है, लकड़ी की जो कॉर्क है उसको चोकअप करने का काम करेंगे, और आपका ये मैकेनिज्म वर्कआउट ही नहीं होगा। अब ये अगर यहां तक पहुंचा ही नहीं तो फिर सॉल्वेंट अपना काम करेगा कहां से, फ्रेग्रेंस फिर आपको खुशबू देगी कहां से। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें जनरली आप डीपीएम ऑजियो इन चीजों का इस्तेमाल करें, और इनका रेशियो आप समझ लीजिए कि बिटवीन सॉल्वेंट जो रहेंगे ये आपके 60-75% के बीच में रहेंगे, और जो आपकी फ्रेग्रेंसेस हैं वो आपकी 25-40% के बीच में आप रख सकते हैं। अब कौन सी फ्रेग्रेंस कितनी स्ट्रांग है उसके हिसाब से आप उसके डोज का निर्धारण कर सकते हैं। बहुत स्ट्रांग है तो आप 25% पे काम चला लें, और बहुत लाइट है आप 40% पे चले जाएं। हाँ, और ये अल्कोहल वाला सिस्टम आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप इसमें यूज कर रहे हैं, कहीं भूले भटके ऐसा हुआ कि आपका डोज गलत है, मात्रा अल्कोहल की ज्यादा हो गई, तो आप यहाँ पे हीट कर रहे हैं, क्या होगा अगर वो अल्कोहल उसके संपर्क में आ गया, तो ये एकदम हैवीली इन्फ्लेमेबल है, दुर्घटना हो सकती है। तो जब आप इस तरीके के डिफ्यूजर यूज कर रहे हैं तो उसमें कृपया करके अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। आप अगर इसमें डायरेक्टली फ्रेग्रेंस डालते हैं या डायरेक्ट एसेंशियल ऑयल डालते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इट विल वर्क आउट फाइन। अगर आपको डिफ्यूजन थोड़ा बढ़ाना है उसका, मैंने आपको सॉल्वेंट्स बताए हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल कृपया अवॉइड कीजिएगा। और सिमिलर वे में जो आपके रीड डिफ्यूजर्स हैं और जो आपके कॉर्क वाले डिफ्यूजर्स हैं उसमें भी यही होता है कि हम लोग इन सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करके अपना फ्रेग्रेंस के साथ में सॉल्यूशन बना के उसको यूज में ला सकते हैं। यही कॉम्बिनेशन जो है वो आपका जो पॉटप्यूरी वगैरह रहती है उसमें भी काम में आएगा। कि बेसिकली पॉटप्यूरी है क्या, कि कोई भी आपने कोई ड्राइड फ्लावर्स हैं या हर्ब्स हैं उनको आपने मिक्स कर लिया, उसके ऊपर आपने स्प्रे कर दिया, तो सेम चीज अगेन कि जब आप अल्कोहल बेस्ड स्प्रे करेंगे तो वो तुरंत खुशबू उड़ जाएगी।
लेकिन अगर आप एक स्लो और सस्टेनेबल इवेपोरेटिव एजेंट का अगर आप इस्तेमाल उसमें कर रहे हैं तो वो आपकी ज्यादा दिनों तक चलेगी। तो सिमिलर सॉल्वेंट्स का ही इस्तेमाल आप करके इनका भी रीड डिफ्यूजर या कॉर्क डिफ्यूजर या पॉट प्यूरी या फिर आपके जो कैंडल डिफ्यूजर और इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर है उन सब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये जो कंफ्यूजन था कि क्या ये फ्रेग्रेंस ऑयल मैं डिफ्यूजर में यूज कर सकता हूँ क्या, या फिर मैं ये एसेंशियल ऑयल इसमें यूज कर सकता हूँ क्या, तो मुझे लगता है कि शायद ये आपका कंफ्यूजन दूर हुआ रहेगा। इसमें अगर आप और कुछ पूछना चाहें या आपके कुछ डाउट्स हों तो कृपया मुझे नीचे लिखे कमेंट में बताइए, और आशा है आपको ये पसंद आया होगा। नमस्कार, थैंक यू।